आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को फ़िलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। आज़म और उनके बेटे की ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। आपको बता दें कि आज़म और अब्दुल्ला दोनों जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म की ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। फर्जी तरीके से पैन कार्ड और पासपोर्ट के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज़म खान फ़िलहाल जेल में बंद है। आज़म खान रामपुर से सांसद है और उनके ऊपर मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर कई लोगों की ज़मीन कब्जाने का भी आरोप है। विश्वविद्यालय के नाम पर लोगों की ज़मीन कब्जाने धोखाधड़ी समेत कई अन्य आरोप पर भी आज़म खान पर ही है। वहीं अखिलेश यादव भी आज़म खान की गिरफ्तारी के विरोध में रैली और साइकिल मार्च रामपुर में कर चुके हैं। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के सांसद आज़म खान पर बेटे अब्दुल्ला आज़म के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर पैन कार्ड बनवाने का आरोप है। आज़म और अब्दुल्ला दोनों इस मामले में जेल में बंद हैं। आज़म खान के खिलाफ दर्ज 90 मामलों में से अब तक 86 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। 2 मामलों में अभी हाई कोर्ट और 2 रामपुर जिला अदालत में पेंडिंग है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।